रूस ने एक वीडियो जारी किया जिसके साथ उसने यूक्रेन के एक अहम हथियार डिपो को तबाह करने का दावा किया। हालांकि यूक्रेन का यह ठिकाना कहां था इसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन उस पर रूस के फाइटर जेट और तोपों ने जोरदार कहर बरपाया। रूस की तरफ से जारी किए गए वीडियो में उसके सैनिक तोपों को तैयार करते नजर आए, जिन्हें इशारा मिलते ही वहां हुए धमाकों से पूरा इलाका गूंज उठा। रूस ने यूक्रेन के ठिकाने पर एक दो नहीं बल्कि इतने गोले दागे कि गिनना मुश्किल हो गया। रूस ने दावा किया कि उसने न केवल वहां बम बरसाए बल्कि मिसाइलों से भी हमला किया। यूक्रेन की तरफ से ये जानकारी दी गई कि उसका एक हथियार डिपो तबाह हो गया। हालांकि उसने रूसी हमले को नहीं बल्कि आग लगने को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। उधर यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके एक सोलर प्लांट पर मिसाइल हमले का दावा किया गया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस ने उसके इस प्लांट पर रात के वक्त हमला किया, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। वीडियो में सोलर प्लांट पर एक मिसाइल गिरती दिखी जिसके टारगेट को छूते ही वहां जोरदार धमाका हुआ। यूक्रेन ने इस हमले के अलग अलग एंगल से बनाए वीडियो जारी किए जिसमें सोलर प्लांट पर धमाका होते ही जबरदस्त चिंगारी उठती दिखी। बताया गया कि इस हमले से प्लांट पूरी तरह ध्वस्त हो गया। रूस की मिसाइल इतनी ताकतवर थी कि जहां ये गिरी वहां कई फीट गहरा गड्ढा हो गया। इसके अलावा वहां फायरिंग का दावा भी किया गया जिसकी गवाही सोलर पैनल पर उभरे गोलियों के निशानों ने दी।